नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आपको बता दें कि संचालक गौरव अग्रवाल द्वारा संचालित असानित कोचिंग सेंटर में बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हुए पाए जाने पर एसडीएम बालाघाट अक्षय तेमरावाल के निर्देश पर 19 जून को कार्यवाही करते हुए बालाघाट के असानित कोचिंग संस्थानों को सील बंद कर दिया गया है। कोरोना संकट के दौरान बगैर अनुमति के कोचिंग कक्षाओं का संचालन करने से कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका के चलते अधिकृत कर्मचारी को कोचिंग संचालक के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, शासन के निर्देश है कि अभी कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल सब बंद रहेंगे। हमें सूचना मिली है कि समिति कोचिंग मिली थी, समिति कोचिंग बच्चों को कोचिंग बंद बुलाकर डेली कोचिंग चल रही है। आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास कोचिंग बंद होता है और वहाँ हमने पाया कि लगभग 2 बजे बैठे बैठे और क्लास कर रही है और जिसमें बच्चों ने मास्क वगैरह नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। तो कोरोना के संक्रमण के दौर में जब शासन के क्लियर गाइडलाइंस है कि आपको कोचिंग संभाल रखेंगे तब भी शारीरिक कोचिंग तरह रूप से चल रही है, तो उसके संबंध में हमने कोचिंग हमारी सील कर दिया है और FIR दर्ज कर निर्देश दिए हुए हैं और शासन के आवेदन दर्ज उसका कार्य की जाएगी। तब तक ये चीज बंद कर रहे जब तक शासन को कोचिंग पढ़ने का आदेश है तब तक तो बंद रहना ही रहेगी। अपना अभी तक तो ऐसी कार्रवाई चलेगी, जांच उसके अलावा बताएंगे, बताएंगे।